नमस्कार बच्चों। बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऊष्मा गतिकी क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ऊष्मा गतिकी का शून्य। आज हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो अपना है वो है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम से पहले हम बात करेंगे वापस शून्य नियम की। शून्य नियम होता क्या था बेटा, कि अगर मान लो अपने पास दो निकाय हैं, कौन कौन से, ए और बी, जो किसी तीसरे अलग निकाय के साथ कौन सी अवस्था में थे, साम्य अवस्था में थे, तो आपस में भी कौन सी अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। ये था अपना ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। अब हम बात करते हैं प्रथम नियम की। प्रथम नियम को समझने से पहले बेटा देखो, एक चीज सबसे मेन चीज है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, यदि हम बात करें जो ऊर्जा होती है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जो ऊर्जा है वो एक रूप से कहां पर चली जाती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी आधार पर देखो हम क्या करते हैं, ऊर्जा की बात कर लो या ऊष्मा की बात कर लो, क्योंकि दोनों ऊष्मा भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। तो यहां पर अपने पास माना कोई वस्तु है या कोई निकाय, ऐसा निकाय जिस पर हमें काम करना है या कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी पहले, तभी काम होगा। तो इसका मतलब यहां पर ऊर्जा किसके रूप में दे रहे हैं, उष्मा के रूप में। तो अपने पास एक निकाय है, हम उसको उष्मा देते हैं, और माना उसको कितनी उष्मा दी हमने, डेल्टा क्यू उष्मा दी। अब जब हमने उसको उष्मा दी तो उस पर काम भी होगा, होगा नहीं होगा, जब उष्मा दी तो माना उसने काम कितना हुआ उस निकाय पर, डेल्टा डब्ल्यू उस निकाय पर कार्य हुआ। लेकिन बेटा जो केल्विन का कथन था, केल्विन और प्लैंक का, कि संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती, मतलब कि संपूर्ण ऊर्जा को संपूर्ण कार्य में कभी भी बदला नहीं जा सकता, हर हालत में ऊर्जा की कुछ ना कुछ क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब जितनी ऊष्मा हमने दी उतना कार्य हमें नहीं मिला, कुछ ऊष्मा की क्या होगी, हानि। अब देखो प्रत्येक जो वस्तु होती है उसकी खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है, अब उस वस्तु के पास कुछ और ऊर्जा रह गई, तो इसका मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि। भाई कार्य में वृद्धि बदल गई आधी ऊष्मा तो, बाकी आधी कहां पर चली गई, इस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में चली गई। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, दी गई ऊष्मा के, यानी ये आपस में क्या हो गए, बराबर। डेल्टा जो क्यू है यहां पर ये किसके बराबर है, दी गई ऊष्मा, यानी कि निकाय को हमने जितनी ऊष्मा दी है। डेल्टा डब्ल्यू जो यहां पर है वो है किया गया कार्य, कि जब हमने ऊष्मा दी तो ऊष्मा के कारण उस पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ, ठीक है। तो डेल्टा यू जो है ये है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊष्मा गति यही है बेटा, ये जो है अपने पास ये होता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। इसका अर्थ क्या है कि जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो किसी निकाय को ऊष्मा देने पर काम हुआ और ऊष्मा हानि हुई, किसके रूप में वृद्धि होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में। और इन दोनों का कार्य और वृद्धि का जो योग है वो किसके बराबर हो गया, दी गई ऊष्मा के। या कहा जाए सीधे शब्दों में कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, और यही होता है अपना ऊष्मा गतिकी का प्रथम। अब आगे हम बात करते हैं, इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय प्रकरण। बेटा जो ऊष्मा गतिकी के प्रक्रम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्क्रमणीय और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
सबसे पहले हम बात करेंगे उत्क्रमणीय कृत्य। अब देखो उत्क्रमणीय प्रकरण होता क्या है। मैं माना अपने पास एक निकाय है, ये निकाय है ए, ठीक है। ये निकाय ए से पहले किसमें परिवर्तित हुआ, निकाय बी में परिवर्तित हुआ। इसके बाद ये किसमें परिवर्तित हुआ, निकाय सी में परिवर्तित होगा। मतलब ए निकाय पहले बदला बी निकाय में और इसके बाद बदला किसमें, सी निकाय में। बदल गया या किसी भी कारण ताप दिया गया, बाकी और काम किया, जिसके कारण निकाय ए किसमें बदल गया, बी में। या निकाय जो ये इसकी माना कौन सी अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था थी। और ये जो इसकी अवस्था है ये है अंतिम अवस्था। मतलब किसी भी प्रक्रिया द्वारा निकाय प्रारंभिक अवस्था से किसमें बदला, अंतिम अवस्था में, और वो भी एक बीच की अवस्था कौन सी है, मध्य अवस्था कौन सी है इसकी, बी है। अब उत्क्रमणीय प्रकरण का यहां पर अर्थ क्या हुआ कि देखो अपना निकाय आगे की तरफ चला ए से बी और बी से सी, यदि हम इसको उल्टा घुमाए पीछे की तरफ क्या करवाए, इसकी गति करवाए, और पीछे की तरफ गति करवाने पर यदि ये सी से पहले कौन सी अवस्था पर आए, बी पर, और बी के बाद कौन सी अवस्था पर आए, ए पर। यानी कि यदि किसी निकाय को वापस विपरीत दिशा में उस घुमाने पर वो उन्हीं अवस्थाओं से उन्हीं अवस्थाओं से होता हुआ पुनः कौन सी अवस्था में आ जाए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ये कौन सा प्रक्रम कहलाता है, उत्क्रमणीय। देखो अर्थ क्या हुआ कि देखो प्रारंभिक अवस्था ए थी, मध्य अवस्था बी थी, और इसके बाद अंतिम अवस्था कौन सी थी, सी। तो जब सी पर पहुंच गया तो इसको उल्टा घुमाया, इस प्रकरण को कैसा किया गया, उल्टा किया गया। जब उल्टा किया तो यदि ये सी से पहले कहां पर आया, बी पर, और बी से आया कहां पर, ए पर आया। तो ये जो प्रकरण मतलब सी से ऐसे बी पर गया, बी से सी पर, उल्टा भी उसी प्रकार से उन्हीं अवस्थाओं से लौटता हुआ वापस प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो ये कौन सा प्रक्रम कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अगर मान लो बेटा ये ए से पहले बी पे गया, बी के बाद फिर सी पर गया, अब यदि हम इसको उल्टा घुमाएं वापस क्या करें, और वापस करने पर ये सीधा सी से ए पर आ गया, बी पर ना जाकर सीधा कहां पर आ गया, सी से ए पर। मतलब जब हमने इसको विपरीत दिशा में घुमाया तो विपरीत दिशा में घुमाने पर ये क्या करता है, उन्हीं अवस्थाओं से लौट कर नहीं आता, पहले भी सीधा कहां पर आ गया, पहली अवस्था में आ गया। मतलब उन्हीं अवस्थाओं से लौट कर ये नहीं आता है, या कहा जाए कि हो सकता है ये वापस इस अवस्था में ना आए, तो ये कौन सा प्रक्रम कहलाता है, अनुत्क्रमणीय। ये कहलाएगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में यही अंतर है कि अगर मान लो अपना निकाय एक अवस्था से दूसरी में बदल गया, दूसरी से तीसरी में बदल गया, तो जब हम इस प्रक्रम को उल्टा घुमाएं तो तीसरी से पहले दूसरी में बदले और दूसरी के बाद पहली में बदले, तो ये जो प्रक्रम हुआ ये कौन सा हुआ, उत्क्रमणीय प्रक्रम। की निकाय को विपरीत दिशा में चलाने पर वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटे और उन्हीं अवस्थाओं से होकर लौटे जिन अवस्थाओं से वो गया था। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है धीमी गति का समतापी प्रक्रम। इसका अर्थ क्या हुआ कि धीमी गति से कोई भी समतापी प्रक्रम करवा लो वो हमेशा कौन से प्रक्रम का होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण होगा। अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। देखो अगर मान लो बेटा क्या हुआ कि हमने किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दिया और जब हम उसको वापस घुमाते हैं तो वापस वो उन्हीं अवस्थाओं से होकर कहां पर नहीं पहुंचता, पहली अवस्था में उसके में नहीं पहुंचता, तो वो क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम उदाहरण की बात करें तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हो गया
दही का जमना। बेटा एक बार दूध का दही में जमना हो गया, अगर दूध है दूध का एक बार दही जमा दिया तो वापस हम दही से दूध प्राप्त कर सकते, तो इसका मतलब उस प्रक्रम को वापस नहीं दोहराया जाता। तो किसका उदाहरण हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हो गया। ठीक है बेटा, आया इतना समझ में? अब जो अपना अगला टॉपिक है अपने पास, वो है ऊष्मा इंधन। ऊष्मा इंधन, अब बेटा देखो समझो, ऊष्मा इंधन होता क्या है? ये ऊष्मा इंधन एक ऐसा ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जो कि ऊष्मा को, देखो ऊष्मा इंधन है तो सीधी सी बात इसमें क्या होगी? ऊष्मा होगी। इस ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते, या कह दे इस ऊष्मा को किसमें बदल दे? कार्य में बदल दे, वो क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मा को किसमें बदलता है? कार्य में, या कह दो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो क्या होता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। अब बात करते हैं ऊष्मा इंजन के भाव। बेटा ऊष्मा जो इंजन होता है इसके चार भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है स्रोत, दूसरा जो भाग होता है वो होता है सिंक, तीसरा जो भाग होता है वो होता है कार्यकारी पदार्थ, और चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है कुचालक स्टैंड। ये ऊष्मा इंजन के चार मुख्य भाग होते हैं। देखो ऊष्मा इंजन की हम बात करें, ये परिमाण अपने पास होगा स्रोत, स्रोत के बाद अपने पास यहां पर आता है कार्यकारी पदार्थ, इसके बाद इस जगह पर हो गया अपना सिंक। यहां पर इसकी बात करते स्रोत, स्रोत होता क्या है? बेटा स्रोत जो होता है वो एक तरह से ऊष्मा का भंडार होता है, मतलब वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा रहती है। ठीक है, इस स्रोत की जो ऊष्मा धारिता होती है, इस स्रोत की ऊष्मा धारिता अनंत होती है। धारिता का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरह से क्षमता, कि वो कितनी ऊष्मा रख सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इस स्रोत की ऊष्मा धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। माने स्रोत का जो तापमान है वो है T1 केल्विन। कितना तापमान है स्रोत का? T1 केल्विन। अब बात करते हैं सिंक की। सिंक जो होता है वो भी उष्मा का भंडार होता है। यहां पर देखो स्रोत से उष्मा उत्सर्जित होती है, या कह दे कि जो अपने पास निकाय होता है वो स्रोत से उष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है, और इस सिंक में उष्मा को त्याग करता है, या सिंक में उष्मा को छोड़ता है। तो इस सिंक में भी उष्मा होती है, और इस सिंक की जो उष्मा धारिता है ये भी अधिक होती है, अनंत तो नहीं होती लेकिन बहुत अधिक होती है। ठीक, बेमाना है स्रोत से इस निकाय ने Q1 उष्मा ली। कितनी उष्मा ली? Q1 उष्मा ली यहां से। अब यहां पर देखो, जब भी स्रोत से निकाय को उष्मा लेगा तो जब निकाय को उष्मा दी जाती है तो निकाय क्या करता है? कार्य करता है। तो यहां पर बेमाना अपना कार्य हो गया, इस जगह पर डब्लू क्या हो गया? कार्य हो गया। अब कार्य हुआ तो देखो, हमने पढ़ा भी अभी पढ़ा था कि संपूर्ण जो ऊष्मा होती है वो कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ ऊष्मा अपनी बसती है। माना यहां से कुछ ऊष्मा कार्य में चली गई और बाकी Q2 ऊष्मा कहां पर आ गई? सिंक में आ गई। तो कार्य कितना हो गया? कुल ऊष्मा Q1 थी, बची हुई कितनी है? Q2। तो कार्य कितना हो गया?
q1 माइनस q2, क्योंकि दी गई उष्मा जितनी कार्य में बदली वो कितनी है q1 माइनस q2 के बराबर तो आया। अब अगला क्या अपने पास कार्यकारी पदार्थ। देखो बेटा कार्यकारी पदार्थ वो होता है जिस पर उष्मा ईंधन कार्य करता है, तो मुख्यतः कार्यकारी पदार्थ उष्मा ईंधन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम आदर्श गैस, इसके अलावा वायु या और भाप आदि का उपयोग करते हैं। कि उष्मा इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है उसके रूप में वायु भाप और आदर्श गैस आदि का उपयोग किया जाता है। अगला है अपने पास कुचालक स्टैंड। अब बात करते हैं कुचालक स्टैंड की, तो देखो कुचालक स्टैंड होता क्या है। कुचालक स्टैंड एक कुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है कि जो कोई भी कुचालक पदार्थ उससे क्या बनता है कुचालक स्टैंड बनता है, और इस कुचालक स्टैंड पर कार्यकारी पदार्थ को रखा जाता है। किसको रखा जाता है कुचालक स्टैंड पर? कार्यकारी पदार्थ। और बेटा जो कार्यकारी पदार्थ होता है ये हमेशा एक सिलेंडर के अंदर होता है जिस पर पिस्टन लगा होता है। तो इसका मतलब कार्यकारी पदार्थ हमेशा कहां पर होता है? एक सिलेंडर में होता है जिस पर पिस्टन लगा होता है। और इस कार्यकारी पदार्थ को कहां पर रखा जाता है? इस कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। तब बात करते हैं वापस अपने से। देखो स्रोत से T1, स्रोत का तापमान कितना था? T1 केल्विन। यहां से Q1 उष्मा कहां पर आई? कार्यकारी पदार्थ पर आई। जब उष्मा आ गई तो क्या होगा? काम होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हुआ, कार्य हुआ। इसके बाद बची हुई उष्मा कहां पर चली गई? सिंक में चली गई। और जो किया गया कार्य वो क्या गया? Q1 माइनस Q2। और बेटा ये जो प्रक्रिया है ये ही किस क्या होती है? इस उष्मा इंजन की कार्य विधि होती है। कि उष्मा इंजन इस प्रकार से क्या करता है? कार्य करता है। अगला जो अपना टॉपिक है इसके बाद वो है उष्मा इंजन की दक्षता। उष्मा इंजन की दक्षता बेटा देखो दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कैपेसिटी, एक तरह से निपुणता। दक्षता यहां पर निकालेंगे कैसे? देखो आसान से भाषा में जब भी हम दक्षता निकालते हैं तो क्या करते हैं? किया गया कार्य और बटा में दिया गया कार्य। हमेशा क्या होता है कि जितना काम हमने किया वो, और उसके भाग में क्या आता है? जितना कार्य हमें दिया गया था। और ये किसके बराबर होता है? दक्षता के बराबर होता है। और इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखो बेटा क्या आएगा? किया गया कार्य किसके द्वारा किया गया कार्य? उष्मा इंजन के द्वारा किया गया कार्य और बटा में दिया गया कार्य। बेटा दिया गया कार्य यहां पर क्या है? देखो इसने कितनी उष्मा दी थी? Q1 उष्मा दी थी, यानी कि इसने कितना काम दिया? उसको Q1 दिया, और बदला पूरा नहीं लेकिन आधा कहां पर चला गया? सिंक में। इसका मतलब दिया गया कार्य जगह क्या आ जाएगा? दी गई उष्मा। और यही होती है उष्मा इंजन की दक्षता। क्या होती है? किया गया कार्य बटा में दी गई उष्मा, यानी कि नीटा बराबर क्या हो जाएगा? W कार्य हुआ अपने पास, और उष्मा कितनी दी हमने इसको? Q1 उष्मा हो गया। अब देखो W का मान हमें पता है, W कितना है? Q1 माइनस Q2 और अपॉन में हो गया। यहां इनको अलग अलग कर दो। देखो Q1 की भाग में Q1 कितना आ गया? 1, और माइनस में Q2 अपॉन में। यदि हम प्रतिशत की बात करें, दक्षता प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 और इंटू में क्या कर दो? 100। यानी प्रतिशत दक्षता। आया समझ में इतना? कि आज हमने क्या पढ़ा कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा उष्मा इंजन क्या होता है। उष्मा इंजन पढ़ा, उष्मा इंजन के मुख्य भाग पढ़े कि कितने इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि इसकी कार्य विधि क्या होती है, कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, और अंत में हमने पढ़ा है कि उष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है और दक्षता निकालते हैं कैसे। ठीक है बेटा,
आज के लिए इतना है, अगला जो टॉपिक है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, रखते हैं।